कि एक गाज दिख रहा है, गाज के सामने ही पत्थर के ऊपर पत्थर है, तो ये दिख रहा है पत्थर के ऊपर पत्थर, तो इसी के नाम से गाइस। तो मैं अभी पहुंचा हूँ गाड़ी धुड़ा पार करके यहाँ पे, और मैं अभी घूम रहा हूँ हिल्स में, और हमारा काम आज इस प्रकार का हो रहा है, जैसे बोर्ड हम लोग यहाँ पे उठा के लोडिंग कर रहे हैं। मेरा पीछे देख रहा है ये बोर्ड है, मैं अभी गाड़ी धुरा पार करके यहाँ पे हूँ, तो आगे गाड़ी में सामने है, मैं आपको ऊपर बोर्ड देखने के लिए उठा हूँ, तो काफ़ी हलन है चढ़ाई दिक्कत हो रहा है, कभी मैं पीछे बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी रोहिणी, रोहिणी पहुँचने में बहुत ही टाइम लगेगा, और चलो यहाँ का नज़ारा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। Thank you.
एक जमीन का नीचे ये दबा हुआ था और दबा हुआ था और दबा होने के कारण से मतलब एक बोट में मोटीमान हम लोग को 5 मिनट 10 मिनट लग जा रहा है। इसी कारण से सारा दिन लग जाएगा और रास्ते भी खराब होने के कारण से आस्ते आस्ते रुक जा रहे हैं। और अभी हम मेरी पहुँच नहीं है पर गाड़ी दूरा से बहुत ही ऊपर आ गया थोड़ा मुझे आ गया हूँ। रास्ता भी बहुत ख़राब है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ही लगता है। हाँ कभी कभी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो लाइफ में ना सब कुछ करना ही पड़ता है। बस मेरे से बने रहिए, देखते आगे क्या होता है। वो भाई पहाड़ का नज़ारा, यहाँ से ध्रुव टी स्टेट चालू होता है और यहाँ पे देखो ऊपर तक की नज़ारा। ऊपर में देखो एक चोटी में घर बना हुआ है और अभी थोड़ा रास्ता फ्री हो गया तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आराम से जा सकते हैं। गार्डन फैक्ट्री पहुँच गया घर को और यहाँ से कुछ अलग ही टाइप की है। इतना बड़ा पायर बरगद का पेड़, बहुत सालों पुराना है ये पेड़। भाई देखो क्या नज़ारा है, चल 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 ठीक है फोटो नहीं नीचे चल। Thank you.
छोटा घर, और हिल्स में जो भी घर बहुत ही खूबसूरत से दिखाई पड़ता है, और जैसे एक एक गाँव बसा हुआ होता है, तो ये तो टाउन में ही पड़ता है। ये मेन रोड हुआ मेरिक का, छोटा सा रोड। लेते हुए मैं अभी गाड़ी के ऊपर हूँ, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे तो छोटा छोटा घर और शायद टी गार्डन। तो मेरा तो एक स्टॉप और है, तो गाड़ी में वीडियो बनाने के कारण से PWD रोड यहाँ पे मेंटेन बाई PWD गवर्नमेंट। ये रोड एक्चुअली दिखने का रास्ता मेरिक यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, तो हम लोग मोटा मोटी पहुँच ही जा रहे हैं मेरिक। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली मैं लंबा यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। चारों साइड में बगान और बीच में हाईवे, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत। और देखो यार यहाँ पे देखो इतना सारा बगान, टी गार्डन के साथ में ये हिल्स दिखाई पड़ने से बहुत ही मन का संतुष्ट हो जाता है। वादियों के साथ में छोटे छोटे घर और नेचर ब्यूटी के साथ में हम ये ट्रैवल मेरा आज का बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग प्रॉपर मेरिक तो नहीं जाएंगे, पर प्रॉपर मेरिक जाने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा। टी गार्डन में इस तरीके से देखो यहाँ पे काम हो रहा है, ये सब लेबर है।
लेक साइड। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं और अभी सीजन है ना। यहाँ पे एक मंदिर देखने को अच्छा मिल रहा है हमारा गणपति बाबा मौर्य। ये देखो भोलेनाथ, मैं पहुंचा हूं अभी मेरे किशन बाजार में और मेरे की तो यहां पे काफ़ी मंदिर देखने को मिला अच्छा, और कुछ यहां पे जुलूस की भी रेडी हो रहा है तो आगे भी कुछ संगठन किया जा रहा है और मैं ये बाज़ार में रुका हूं। गाड़ी भी होने के कारण आस्ते आस्ते जा रहा है और यहां की बाज़ार की आप लोगों के नज़ारा मेरे साथ शेयर करूँगा। यहाँ का कपड़ा की बाजार की नजर है, ठंडे के दिन भी ये बाजार की नजर आ रही है। ठुल्लो ढुंगा के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, बहुत पत्थर, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है तो इसी नाम से ये जगह को जाना जाता है। ठुल्लो पत्थर यानी कि बहुत बड़ा पत्थर, जो पत्थर के ऊपर पत्थर बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा आगे दिखाई मिलेगा।
ये बाजार पार्क है, यहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा बाजार। सुरेन बाजार मेरी गाज दिख रहा है, गाज के सामने ही पत्थर के ऊपर पत्थर है, तो ये देख रहा है पत्थर के ऊपर पत्थर, तो इसी के नाम से स्टेट बस। मेरे के लिए स्टेट बस भी यहाँ पे लागू है। ये रहा व्यू पॉइंट, ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ जो बहुत वातावरण को रोकते हुए पानी को जमा करता है और शुद्ध वातावरण देता है, तो इसी वजह से यहाँ इस पेड़ के कारण से ही पानी समय के अनुसार यहाँ पे बारिश होता है और काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। ये यहाँ भी है, चलो 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 फोटो तुल चाहिए, बस चलो। ये मेरी गुजर और कुछ प्लेस मोटा मोटी गए हम लोग ना, ये मेरी पहुंच ही गया। यार ठंडा भी बहुत लग रहा है, इतना ठंडा हवा मेरा शरीर और कब्जों में नहीं आ रहा है, ठंडे से भी काबू हो जा रहा हूँ। गाइस मैं मोटा मोटी मेरी पहुँच ही गया हूँ और बहुत ठंडा है, ठंडा तो पीसी नहीं पर बहुत ठंडा हवा के होने के कारण से मुझे हाथ पानी कर और सही नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे चौक बाईपास हम लोग जा रहे हैं और बाईपास चौक के हम लोग उधर से आएंगे, तो बाईपास घुस गया। चलो गाइस आगे देखते हैं।